प्रकाश पड़ने पर अधिक समय देना चाहिए, ऐसा मेरा। ऐसी मेरी प्रार्थना सबसे निवेदन है, कृपया स्वीकार करें। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज भक्ति प्रकाश से भक्त प्रकाश का शुभारंभ किया है। आप सब जानते ही हैं स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश को चार भागों में विभाजित किया हुआ है, शब्द प्रकाश, साधन प्रकाश, भक्त प्रकाश एवं कथा प्रकाश। आज तीसरा प्रकाश शुरू किया है, भक्त प्रकाश। मानव भक्तों की चर्चा शुरू हुई है आज। प्रथम भक्तों ने राजा जनक को चुना है, बहुत बड़े भक्त हुए, साधु चुने, इनकी बातें हम क्या करेंगे। जो स्वामी जी महाराज ने लिख दिया वह हमारे लिए फाइनल है, इससे आगे कुछ कहने को और कुछ है नहीं। बहरहाल साधक जनों, हम सबको ये तो जानना ही चाहिए कि भक्त किसे कहा जाता है। हमारा मार्ग भक्ति का मार्ग है, हम भी उसी मार्ग के अनुयायी हैं। प्रेम मार्ग जिसे कहा जाता है, भक्ति मार्ग जिसे कहा जाता है, आज उसी मार्ग का शुभारंभ हुआ है। स्वामी जी महाराज ने प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है, जो भगवान का है वह भक्त, तो जो संसार का है वह संसारी। यही बात हुई ना, जो संसार का है वह संसारी, जो भगवान का है वह भक्त। जो सब कुछ परमात्मा का मानता है, अपना कुछ नहीं मानता, वह भक्त। जो सब कुछ संसार में रहता हुआ, संसार के मालिक का दिया हुआ देने के बावजूद भी अपना मानता है, वह संसारी। सीधी सादी बातें हैं। भक्त साधु हर वक्त भगवान से जुड़ा रहता है, जो भगवान से युक्त रहे वह भक्त, कभी अयुक्त ना हो वह भक्त, इसीलिए आनंदित रहता है। आनंद के स्रोत से, सुख के स्रोत से जो जुड़ा रहेगा वह आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा, शांत रहेगा। संसार जिसे दुख का स्रोत कहा जाता है, जो उससे जुड़ा रहेगा वह दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, दुर्गुणों से भरा पड़ा रहेगा, कभी ईर्ष्यालु, कभी दयालु, कभी वैर विरोध। संसारी दोनों तरफ घूम लेता है, भक्त संसार में प्रवेश नहीं करता, वह सन्मार्ग पर सुदृढ़ रहता है, किसी भी शर्त पर वह गलत समझौता नहीं करता। यही उसकी साधना है, यही उसकी भक्ति है। वह सन्मार्ग पर सुदृढ़ रहता है, कुछ भी हो। एक ही दृष्टि रहती है, मुझे नाम धन की कमाई करनी है, साधन धन की कमाई करनी है, मुझे संतोष धन की कमाई करनी है। बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों की कमाई करनी है, सत्कर्मों की कमाई मुझे करनी है। संसारी की दृष्टि बिल्कुल विपरीत होती है, वे इन सब बातों की परवाह ना करके एक ही धन, बस कैसे भी हो, कहीं भी हो, उसे इस बात की चिंता नहीं। विदेश जाना पड़े जाता है, मिलता क्या है, टक्करे खाता है, भटकता है, सब कुछ करता है, पाता कुछ नहीं है, वह संसारी है। राजा जनक जैसे बहुत कम, जो संसार में रहते हुए परम भागवत परम भक्त रहे, जिनकी मुट्ठी में दोनों चीजें रही हैं, संसार भी रहा है और परमात्मा भी रहे हैं, ऐसे बहुत कम। सुग्रीव हुए,
ये हुए, विभीषण जी हुए, इनको परमात्मा का मिलन भी हुआ और फिर भी वो संसारी रहे, संसारी कामकाज भी करते रहे। भक्त संसारी कामकाज छोड़ता नहीं है देवियों सज्जनों, मत सोचिएगा वे अपने कर्तव्य ज्यादा दक्षित होकर निभाता है एज कंपेयर टू संसारी, बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, उस पर भक्ति अपना रंग भी चढ़ाती है, अपने रंग में रखे रखती है। बहुत सुनो, पुराने महान भक्तों की बात ना करके, इसी युग के अभी कुछ वर्ष पहले ही हुए भक्त, मैं तो उन्हें भक्त ही मानता हूं, आप जिन्हें महात्मा गांधी कहते हो, राम नाम के महान उपासक, स्वामी जी महाराज राम नाम के उपासक है तो मैं कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं, सो व्हाट, ये तो जन्म ही महात्मा थे, ये व्यक्ति जन्मा महात्मा नहीं है, ये तो गृहस्थ थे, उसके बावजूद भी इसने महात्मा की उपाधि प्राप्त की है, तो मैं इनके नंबर ज्यादा, मेरी दृष्टि में अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है, इनकी कमाई बहुत। आए साधकों, नन्हे गांधी जवान हो गए, युवावस्था में प्रवेश कर गए हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तैयारी हो गई है, मां कैसी माताएं, मां मैं नहीं जाने दूंगी, अपना पांव धरती पर पक्का कर दिया, ये वहां जाके भारतीय संस्कृति को भूल जाएगा, मांस मीट खाने को मिलेगा, शराब पीने को मिलेगी, जो यहां इसने कभी खाए नहीं, सूंघे तक नहीं, वे सब कुछ इसे वहां जाके करना पड़ेगा, ये सौदा बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। मानो बिस्तर बिस्तर बंधा हुआ, सब तैयार, मां ने रुकावट डाल दी, गांधी जी मां के पास गए, मेरी परम श्रद्धे मां, ऐसा संबोधन करते हैं, परम श्रद्धे मैं तेरे से वायदा करता हूं, हर सप्ताह एक पत्र लिखा करूंगा, उसकी रिपोर्ट जैसा तू चाहती है वैसा ही मैं बनके रहूंगा, मैं कसम खाता हूं, शपथ लेता हूं, कभी भूल नहीं होगी, आप मुझे जाने की इजाजत दें, अपने पुत्र पर विश्वास रखें, मैं किसका बेटा हूं मत भूलें आप, मैं आप जैसी मां का पुत्र हूं जो ये चाह रही है कि पुत्र बाहर जाएगा तो भारतीय संस्कृति को भूल जाएगा, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र बन के दिखाऊंगा जो भारतीय संस्कृति को वहां जाके भूलेगा नहीं। मां मान गई, गांधी जी विदेश पहुंच गए, जाके मित्र फ्रेंड्स बने, कुछ ही समय बीता, फ्रेंड्स ने सुझाव दिया, क्या कहोगे भारत जाके, कोई डांस वांस सीखा कि नहीं, कोई डांस वांस किया कि नहीं किया, मीट शराब इत्यादि का सेवन किया कि नहीं किया, कि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आज युवक गांधी रात को वे क्लब में जाने के लिए तैयार हो गए, जहां ये सब कुछ होता है वहां जाने के लिए तैयार हो गए, अगले ही दिन पत्र लिखने का दिन था, एक गहरी सोच में डूबे हुए गांधी, कल मां को पत्र लिखना है, क्या लिखूंगा, अपने मित्रों के साथ वहां गए हुए हैं, वहां जाके जो कुछ होता है वह हुआ, क्या लिखूंगा मां को, आज मैंने अमुक महिला के साथ डांस किया, जो चीज मैं भारत में नहीं सीख सका मैंने यहां आके सीख ली, आज मुझे जबरदस्ती लोगों ने शराब पिला दी मैंने पी,
इस उधेड़ बिन में गांधी आखिर जीत शुभ संस्कारों की हुई। अपने मित्रों से कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, 10 मिनट के लिए जाना चाहता हूं। किस गए टैक्सी पकड़ी, बस पकड़ी, कुछ जो कुछ भी उस वक्त होता होगा, कुछ होता होगा, कमरे में पहुंच गए, पत्र लिखना शुरू किया। मां तेरी स्मृति ने, तेरे संस्कारों ने आज पतन से बचा दिया, तेरा पुत्र आज गिर गया होता, तुझे कभी मुंह दिखाने योग्य न रहता। जो तेरे साथ वायदा किया हुआ था, जो प्रण करके निकला था, वह प्रण पूर्ण न होता। सन्मार्ग पर चलने के लिए जो सुदृढ़ है वह भक्त, वही देवियो सचनो एक दिन महान बनेगा। महान ऐसे नहीं बना जाता, कोई उसके लिए जरूरी नहीं कि ऐसे कपड़े आपको डालने होते हैं, सिर मुंडवाना होता है, बाल बढ़ाने होते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। देश के इतने महान नेता हुए हैं, अभी तक लोग याद करते हैं, तो उनमें कुछ कुछ गुण थे, उनमें बुराइयां अपनी जगह हैं, पॉलिटिशियन जो हुए हैं, लेकिन गुण जो है वह उनको, उनकी आप अवहेलना नहीं कर सकते, वे साधारण व्यक्ति नहीं थे। महात्मा गांधी जी तो खैर महात्मा थे, उनकी तो बात ही क्या करनी है, उनकी तो क्या बात की जा सके। जारी रखेंगे साधु जी इस चर्चा को, कल भी भक्त किसे कहा जाता है, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।